अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हम बना रहे हैं रमज़ान के हिसाब से। रमज़ान में पकौड़े हर घर में बनते हैं। आज हम एक ज़रा डिफरेंट तरह के पकौड़े बनाएंगे और ये बड़े स्पेशल से पकौड़े होते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए कि 200 ग्राम बंद गोभी है जिसको लूलू कट कर लिया है, 1 कप हम बेसन लेंगे, 200 ग्राम ही गाजर थी जिसको जूलियन कट कर लिया, 100 ग्राम आलू जिनको जूलियन कट कर लिया, 1 प्याज है स्लाइसेस में काट लिया और ये 250 ग्राम चिकन है इसको भी जूलियन कट कर लिया, 200 ग्राम पालक है जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, 200 ग्राम ही शिमला मिर्च है जिसको जूलियन कट कर लिया, 200 ग्राम जो है बैंगन है इसको भी जूलियन कट कर लिया, 1 से 2 लेमन लेंगे, 1 अंडा, 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीना, 1 टीस्पून भर के अनारदाना, 2 से 3 टेबलस्पून जो है ये ऑयल है गरम, 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन है, 1 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 टीस्पून तक नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे। सारी सब्जियां मिक्स करके इसके अंदर हम चिकन भी शामिल कर देंगे, साथ ही नमक, सूरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, चाट मसाला, अनारदाना, जीरा, सूखा धनिया और अजवाइन, हरा धनिया और पुदीना। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेमन का जूस, एक अंडा, साथ में 1 कप बेसन, 1 से 1.5 कप तक बेसन डाल सकते हैं आप। इन सब चीजों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक मिर्च आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं और जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से हल्का सा पानी डाल देंगे। वैसे तो सब्जियों का पानी से पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में 2 से 3 टेबलस्पून गरम ऑयल, ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। इस मटेरियल को बना के आपने ज्यादा देर तक रखना नहीं है वरना सब्जियां पानी छोड़ देंगी तो ये पतला हो जाएगा। ये माशाल्लाह से जी हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। डिफरेंट सी रेसिपी है, आप इसको अपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।